हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो हमेशा की तरह वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज का जो सबसे पहला टिप्स है वो यहाँ पर इस तरीके के जो सोप होते हैं ना, हम लोग मतलब बर्तन वगैरह वॉश करने के लिए सोप का यूज़ करते हैं, तो उसको कुछ इस तरीके से रख देते हैं जिससे कि उसका पानी वगैरह निकलता रहे। इसमें ऑलरेडी होल है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि देखिए, इस तरीके से हम जब रखते हैं तो ऊपर से तो ये ड्राई रहता है, ऊपर से तो हो जाता है, पर ये नीचे से ना एकदम चिपक जाता है और बिल्कुल यहाँ देखिए पीछे से ना बिल्कुल मेल्ट सा रहता है, और ये पीछे से मेल्ट होता ही रहता है और बस इस तरीके से मेल्ट होकर ये बहुत जल्दी फिनिश हो जाता है। मतलब एक डेढ़ हफ्ते भी नहीं चल पाता है, और वैसे हम मतलब यूज़ करें तो काफ़ी टाइम तक चल जाता है। तो चलिए, इस तरीके से अगर आपके साथ भी सिचुएशन होती है तो आप एक काम कर सकते हैं, आपको कोई भी बॉटल का कैप ले लेना है, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बॉटल आती है उनका कोई एक कैप लेके आपको इस तरीके से जिस साइड से मेल्ट है ना उस तरीके से उसमें पुश कर देना है उसको, तो ये अच्छे से उसमें गप जाएगा और मतलब अच्छे से हैंग हो जाएगा। फिर आप इसको चाहे अगर मतलब ऐसे ही प्लेटर पे भी रख सकते हैं, और नॉर्मल साबुनदानी में भी आप इस तरीके से रखते हैं तो क्या है कि थोड़ा ऊँचा रहेगा तो पानी वगैरह जो है बिल्कुल ड्राई रहेगा, चाहे वो ऊपर से हो या नीचे से। और जो आपका साबुन एक हफ्ते चलता था, हो सकता है वो 4-5 दिन और आगे आपका चले, और इससे क्या है स्मेल वगैरह भी बिल्कुल नहीं आती है। तो नेक्स्ट टिप्स है कि इस तरीके की पॉलीथीन वगैरह हमारे घर में अक्सर इकट्ठी हो ही जाते हैं, कोई भी शॉपिंग करते हैं हम तो कुछ इस तरीके के थैले या पॉलीथीन वगैरह मिल ही जाती है, बहुत सारी हो जाती है। तो चलिए, इनसे फटाफट से इस तरीके से इनको मोड़कर एक ऑर्गेनाइज़र बना लीजिए। इस तरीके से देखिए, मैंने सिर्फ इसको मोड़ दिया है, और इसको जो नीचे का इसका है तो बार बार उल्टा सीधा ना हो, अपनी जगह पे ही रहे, इसलिए मैंने यहाँ पर एक शादी का कार्ड था वो डाल दिया। आप कोई भी कार्डबोर्ड वगैरह या शादी का कार्ड अगर बड़ा है तो छोटा सा काट कर आप उसी के हिसाब से कुछ इस तरीके से डाल दीजिए, जिससे कि अपनी सेप में एक्यूरेट रहे। तो बस इस तरीके से मैंने डाल दिया। अब इसमें आप अपने कोई भी कपड़े वगैरह, जैसे कि आपके छोटे छोटे से बच्चों के कपड़े होते हैं, अंडरगारमेंट्स वगैरह बच्चों के होते हैं, या सॉक्स वगैरह होते हैं, इस तरीके से आप, मैंने देखिए 2-3 पॉलीथीन बनाकर रख लिए। इस तरीके से काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज रहता है हमारा वार्डरोब। तो गाइस, नेक्स्ट टिप्स है कि फ्रिज को लेकर, कि फ्रिज में अक्सर हम लोग मतलब बहुत सारी चीज़ें स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरीके से फ्रिज में मतलब गंदगी हो जाती है, तो आप देख रहे हैं कि मेरे फ्रिज में जो है कि मैं जब भी साफ़ करती हूँ तो वैसे तो क्लीन ही रहता है, क्योंकि देखिए इस तरीके की ज़्यादा जिद्दी दाग वगैरह नहीं लगते, लेकिन कई बार यहाँ पीछे से पानी लीक हो जाता है तो मतलब थोड़े से स्टेन लग जाते हैं, लेकिन मैं इनको चुटकियों में रिमूव कर लेती हूँ। कैसे, देखिए आप, मैं हल्का से स्ट्रोक लगा रही हूँ और सारे जो दाग इतने मजबूती से लगे हुए थे सारे दाग ईजिली निकल गए। कैसे निकल गए, इसके लिए मैं एक सॉल्यूशन तैयार करती हूँ, उसी से मैं अपने फ्रिज वगैरह जिसकी भी किचन अप्लायंसेस की क्लीनिंग करनी होती है इसी से ही करती हूँ। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आपको विनेगर चाहिए, जो वाइट विनेगर होता है या चिली विनेगर, आप कोई सा भी ले लीजिए, और उसमें मैंने यहाँ पर डाल दिया थोड़ा सा बेकिंग सोडा। बट यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने इसमें डिशवॉशर जेल भी डाला था, मतलब कोई भी आप डिटर्जेंट वगैरह यूज़ कर सकते हैं, उसका वीडियो उसमें शूट नहीं हो पाया, बट आप इसमें इंक्लूड कर दीजिए और बस ये हमारा तैयार है। अब आप स्क्रबर पर लेके आप इस तरीके से ईजी से क्लीन कर सकते हैं, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, आपको वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं, बस हल्का सा स्ट्रोक इस तरीके से लगाना है, फिर आपको एक सॉफ्ट कपड़े से, हल्के गीले कपड़े से इसको पोंछ देना है। ये देखिए बहुत जल्दी क्लीन हो जाता है सारा फ्रिज, और इससे मतलब कितने भी जिद्दी दाग वगैरह हो सारे छूट जाते हैं। आप देख सकते हैं इसका जॉल भी कितना मतलब क्लीन हो चुका है। तो इस तरीके से आप चुटकियों में अपने फ्रिज वगैरह या कोई भी अप्लायंसेस की क्लीनिंग कर सकते हैं। देन नेक्स्ट टिप्स है यहाँ पर अब पालक को लेकर, कि जब भी हम लोग पालक वगैरह मार्केट से लाते हैं तो वो एक सेप की तो नहीं होती है, बाई चांस कभी ऐसा लग जाता है यहाँ एक सेप की होती है, कुछ इस तरीके के कटे फटे पत्ते होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, और कुछ तो वॉश करते टाइम ये पालक टूट जाती है। तो अगर इसको बॉयल करना हो तो बहुत ईजी होता है, बट अगर इसको चॉप करना हो तो काफ़ी डिफिकल्टी आती है, क्योंकि छोटे छोटे वाले पीस गिर जाते हैं इधर उधर। तो चलिए, अगर आपके साथ भी ऐसी दिक्कत आती है तो आपको एक सॉल्यूशन देती हूँ कि आप इस तरीके से पालक को बहुत आसान तरीके से कट कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले मतलब पालक को ले लीजिए, इस तरीके से उठा लीजिए थोड़ी सी पालक, ठीक है, और बहुत जल्दी कट जाती है, क्योंकि कई बार मुट्ठी वगैरह से हम इस तरीके से पकड़ के कटते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारे हाथ में मतलब आती नहीं है, और प्लस इस तरीके से काटते हैं तो हाथ में लगने का भी डर रहता है। तो इस तरीके से आप इतनी पालक ले लीजिए, और अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर
इस तरीके से अच्छे से कर लीजिए। अगर ये एक शेप में होती तो बहुत इजी तरीके से कट जाती, बट अब ये एक शेप में नहीं है तो आपको यहाँ पर चार्जर लेना है और इस तरीके से इसको नीचे से रख के और कुछ इस तरीके से चार्जर की जो वायर होती है उसका यूज़ करना है और इस तरीके से आप एक बार इसको राउंड करके कर लीजिए। बहुत टाइट हो जाता है और ये अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। फिर आप बहुत ही ईजी तरीके से इसको कट कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से कट कर लिया है और हल्के हाथ से बस इसको पकड़ा हुआ है और बस इस तरीके। आप चाहें तो इसको मतलब छोड़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं क्योंकि वो मतलब ऑलरेडी बन चुका है। तो देखिए बाकी का जो हिस्सा आगे का कटा था उसको उठाकर मैंने इसी में लगा दिया और इस तरीके से वायर को फिर से आगे की साइड कर दिया है। बस अभी इस तरीके से पूरा एक बार बन चुका है। बस अब आप इस तरीके से फटाफट से इसमें चला दीजिए, ठीक है। वो एक्चुअली थोड़ा सा हाथ रखने की भी आदत होती है ना इस तरीके से, वरना आप हाथ को नीचे इस तरीके से डोरी को नीचे से पकड़ के फटाफट से आप अपने नाइफ को लगा दीजिए और इस तरीके से आपकी पालक जो है सारी की सारी बहुत जल्दी कट जाती है। और जैसे जैसे आप पीछे आते जाए वैसे वैसे इसका एक धागा जो है मतलब एक बार खोलते जाइए और बस इस तरीके से फटाफट से आपकी सारी पालक कट जाएगी। और ये देखिए मतलब सारी पालक कटने के बाद होता है ना कि छोटा छोटा सा कोई पार्ट्स वगैरह रह जाते हैं, तो आप क्या कीजिए बाद में इस तरीके से कट करके और फटाफट से सारी पालक में चॉप कर दीजिए तो बहुत ही बारीक पालक कट के तैयार हो जाती है। लास्ट के कुछ पीसेस बड़े रह जाते हैं तो आप इस तरीके से चाकू मार दीजिए उनमें तो पालक बहुत ही बारीक कट कर तैयार हो जाती है। तो इसी तरीके से आप अपनी सारी पालक 2 मिनट में 2 किलो पालक आप बहुत ईजी तरीके से काट पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट टिप्स है कि इस टाइम बारिश वगैरह चल रही है तो कपड़े वगैरह में काफ़ी स्मेल आने लगती है, तो चलिए एक ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने एक कंटेनर लिया है, फूड कंटेनर, उसमें पीछे से भी होल कर दिए, आगे से भी होल कर दिए हैं। कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट करके आप उसमें डाल दीजिए, ईजिली इसमें हो जाते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने लिया है एक एब्जॉर्बर जो कि मार्केट में बहुत ईजिली मिल जाता है, बस इसको इसमें रख दीजिए। इसमें क्या होता है, ये जो बैड स्मेल को है अंदर की साइड ले लेता है और इसमें जो फ्रेग्रेंस होती है ये इसको बाहर की तरफ रिलीज कर देता है। तो क्या कपड़ों में से स्मेल वगैरह नहीं आती, स्मेली सी आती है ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं आता है। फिर आप इसको जहाँ पर भी आपके कपड़े वगैरह कवर्ड, बेडरूम, अलमीरा जहाँ पर भी रखे हों आप वहाँ पर इसको अपने क्लोज़ेट में रख दीजिए कुछ इस तरीके से, तो जितनी भी बैड स्मेल है वो अपने अंदर ले लेगा और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो इसमें छोड़ देगा, तो आपको कपड़े में बिल्कुल भी स्मेल वगैरह नहीं आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ। तो गाइस यहाँ पर मैंने एक कंटेनर लिया हुआ है, ठीक है। अब हम इसमें जैसे कि अभी गर्मी चल रही है तो धनिया ज़्यादा मात्रा में आ नहीं पाता, तो थोड़े से भी धनिया को हम चाहते हैं कि थोड़ा सा स्टोर करके रख लें, बिकॉज कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं जिनमें धनिया डालनी पड़ती है। तो यहाँ पर धनिया और पुदीना मेरे पास दोनों रखे, तो मैंने दोनों को इकट्ठे ही रख दिया है। इसमें थोड़ा सा पुदीना था और धनिया था, क्योंकि इस टाइम धनिया वगैरह काफ़ी महंगा हो जाता है गर्मियों में, तो कुछ सब्जियाँ ऐसी बनाते हैं ना जिनमें डालना ज़रूरी ही होता है। तो बस इस तरीके से आप कोई भी कंटेनर ले लीजिए और उसमें अपने रख के फ्रिज में रख दीजिएगा, तो बिल्कुल भी आपकी धनिया वगैरह ख़राब नहीं होगी। पत्ते और थोड़ी थोड़ी से डंठल मैंने यहाँ पर ली है। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को हमेशा की तरह एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे हम वैसे ही किसी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।